जिले के सभी आदान कृषि विक्रेता व निजी तथा क्रय सहकारिता समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से कंट्रोलर व सील कंट्रोलर में जो एक्ट तथा जो प्रावधान है, इस उद्देश्य में चर्चा की जाएगी। 31 मई को रामगढ़, अलवर शहर और गोविंदगढ़ में कृषि आदान विक्रेताओं का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा। 3 जून को कठुमर, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी व उमरण ब्लॉकों में जो कृषि आदान विक्रेता है, आत्मा सभागार में कार्यक्रम रखा। 6 जून को मालाखेड़ा, रैनी व राजगढ़ में जो आदान कृषि विक्रेता हैं, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम सहायक निदेशक कृषि कार्यालय राजगढ़ में रखा। कृषि आदान की उपलब्धताओं के बारे में कृषि विक्रेताओं से चर्चा की जाएगी, जिसमें आने वाली खरीफ की फसल की गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा। आगामी खरीफ सीजन में जिले में सभी कृषि आदान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, इस संबंध में हमारे जिले के जो सभी कृषि आदान विक्रेता है, जिसमें निजी कृषि आदान विक्रेता तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम रख रहे हैं, और उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि इनको ट्रेनिंग के माध्यम से जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, सीड कंट्रोल ऑर्डर है और इंसेक्टिसाइड एक्ट जो बने हुए हैं, प्रावधान है उनके उनके ऊपर उनसे चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में जो कृषि आदान उपलब्धता हमको किस तरह से की जानी है, ताकि हमारे किसानों के सामने किसी तरह की समस्या नहीं है, उसके बारे में कृषि आदान विक्रेताओं से चर्चा की जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे जिले में जो कार्यक्रम है, उसमें 31 मई को रामगढ़, अलवर शहर और गोविंदगढ़ के कृषि आदान विक्रेताओं का ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने हमारे जो आत्मा परियोजना जो कार्यालय है उनके सभागार में हमने रखा है, तथा कठुमर, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, उमरेन इन ब्लॉक्स के जो कृषि आदान विक्रेता हैं उनका 3 जून को आत्मा परियोजना के सभागार में ही ये कार्यक्रम हमने रखा है। इसी तरह से मालाखेड़ा, राजगढ़, रैनी के जो कृषि आदान विक्रेता हैं उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम सहायक निदेशक कृषि विस्तार राजगढ़ के कार्यालय में 6 जून को हमने रखा है, और इसमें कृषि आदान की उपलब्धता के बारे में डिटेल चर्चा विक्रेताओं से की जाएगी, ताकि आने वाले खरीफ सीजन में अच्छी गुणवत्ता का और पर्याप्त मात्रा में कृषि आदान किसानों को मिल सके।